A very good morning, class 2nd students. I'm your English teacher. Today is date 25th of August 2021 and day is Wednesday. So dear student, today we are going to read and understand part G of chapter number 1st, and the name of the chapter is In the Park. Okay, page number 10, and the book is semester 2nd book. Okay, part G. No grammar, हमें ये grammar के बारे में है, ठीक है, grammar के बारे में जानना है हमें. वॉक विथ योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर के साथ ये एक्टिविटी करना है, ठीक है. अगर घर में आपके साथ कोई, अगर क्लास में होते तो हम अपने क्लासमेट्स के साथ करते, लेकिन आपको घर पे अपने भाई बहन या किसी पार्टनर के साथ ही करना, ठीक है. राइट ए और एन विथ दी वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनमें हमें या ए डालना है या एन, ओके, ठीक है. सबसे पहले ए और एन, मैंने आपको ग्रामर में समझाया था ए और एन किसके साथ यूज़ होता है, जो इंग्लिश वॉवल है उसमें फाइव वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू. जो वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है उसके साथ क्या होता है, एन होता है, ठीक है. जो वॉवल होता है उसके साथ, जो वर्ड वॉवल होता है उसके साथ एन होता है, जो वॉवल नहीं होता उसके साथ ए होता है, ठीक है. जैसे हम यहाँ पर करेंगे फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है. फर्स्ट है एप्पल, ए ए ई आई ओ यू, ए क्या हुआ, ए वॉवल है, ठीक है. अब यहाँ पे वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है. जो लेटर, जो वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है उसके साथ एन होता है, ठीक है. यहाँ आएगा एन एप्पल, क्योंकि ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. फिर बी है बास्केट, बी हुआ ना, फिर वॉवल में बी नहीं है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, अ बास्केट, ओके. यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा अ बास्केट, ओके. फिर यहाँ पे भी है बी, फिर बी के साथ क्या आएगा, अ बॉल, ओके, अ बॉल, ओके. अब यहाँ देखो फोर्थ एंड, ए एन टी एंड, इसके साथ क्या आएगा, ए है ये, ठीक है. फिर ए के साथ क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ये वॉवल है, फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवल है. फिर यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, ओके. अब यहाँ देखो फिफ्थ है काइट, काइट के है, वॉवल में के नहीं है, ठीक है. फिर यहाँ पे अ काइट आएगा, ओके, अ काइट. और सिक्स्थ ट्री, अ ट्री आएगा, ठीक है, टी भी वॉवल नहीं है, ठीक है. उसी तरह है सेवेंथ आई, आई आइसक्रीम, ठीक है. फिर आई इसमें है कि नहीं, वॉवल में है. फिर यहाँ क्या आएगा, एन आइसक्रीम, ओके. यहाँ पे है एट्थ ओल, ओ यहाँ है वॉवल में, ए ई आई ओ यू है, ठीक है. फिर यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, एन ओल. और यू अम्ब्रेला, यू के साथ भी एन आएगा, क्योंकि वॉवल में है यू, ठीक है. फिर यहाँ दोनों ओ के साथ भी एन आएगा, यू के साथ भी एन आएगा, ओके. अब यहाँ देखो एन आया दोनों के साथ. उसके बाद एच है पार्ट एच, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन. यहाँ पे भी हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है ए या एन के साथ, ठीक है. फर्स्ट है इज दिस, यहाँ पे एरोप्लेन है, ठीक है. ये फिर ये क्या हुआ, वॉवल हुआ, ठीक. यहाँ क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है. इज दिस एन एरोप्लेन और बर्ड, बी के साथ. फिर यहाँ पर क्या आएगा, आ आएगा, ठीक है. यहाँ देखो इज दिस एन एरोप्लेन और अ बर्ड, क्या ये एक एरोप्लेन है या एक बर्ड है, ये क्या है, एक बर्ड है, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है. फिर सेकंड है इज दिस डिश डिश बस और ट्रेन. फिर ये दोनों वॉवल नहीं है, ये फर्स्ट लेटर भी वॉवल नहीं, ये भी वॉवल नहीं. फिर इन दोनों के साथ क्या आएगा, आ आएगा, ठीक है. इज़ दिस अ बस और अ ट्रेन, ओके. अब यहाँ देखो मैंने आप लोगों को ये भी समझाया, ये भी समझाया, ये भी, ये दोनों आप लोगों को अपने से करना, खुद से करना, ठीक है. यहाँ पे देखो ई, यहाँ पे बी, फिर इनके साथ वॉवल आएगा कि नहीं, आप लोगों को अच्छे से देख के ये फिल करना, ठीक है. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो. आप लोगों को ये अच्छे से अपने बुक पर करना, ठीक है. दोनों अपने कॉपी पे ही करना है, ठीक है. दोनों अपने कॉपी पे कर लो, ड्राइंग नहीं बनानी है, सिर्फ ये लिखनी है अपने कॉपी पे, ठीक है, और अच्छे से लिखना है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.